हेलो वाटर साइंस एंड हेलो एयर साइंस। तो ये एक कम्बिनेशन है, राइट? वाटर साइंस जितने भी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हैं, अगर वो डील कर रही हैं एयर साइंस से, एयर साइंस जैसे कि जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, तो उनकी यहाँ हम लव केमिस्ट्री जो है देखने वाले हैं, वाटर साइन वर्सेस एयर साइन के बीच की लव केमिस्ट्री। अगर आप कोई भी वाटर साइन है और आप एयर साइन से डील कर रहे हैं, या आप एयर साइन है वाटर साइन से डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, राइट? तो हम देख लेते हैं पहले जो वाटर साइन है उनकी लव एनर्जी क्या रहने वाली है एयर साइन के लिए। यहाँ निकल के आया हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वाटर साइन की सितंबर में एयर साइन के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। एट ऑफ कप्स, वाटर साइन की लव एनर्जी एयर साइन के लिए, वाटर साइन की एनर्जी एयर साइन के लिए। इतने सारे कार्ड्स जो हैं हम नहीं लेंगे, लेकिन टू ऑफ कप्स हमें देखने को मिला है तो हमें ये लेना पड़ेगा कार्ड। एक कार्ड और लेंगे, वाटर साइन की एनर्जी एयर साइन के लिए, वाटर साइन की एनर्जी एयर साइन के लिए। टेन ऑफ वैंड्स, अब हम लेंगे। ओके, पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आखिर वाटर साइन की क्या एनर्जी है एयर साइन वालों के लिए। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं वाटर साइन वाले जो हैं, सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसे मिटा के एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। एक स्मॉल ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कहीं छोटी सी जर्नी या ट्रैवलिंग भी हो सकती है यहाँ पे। तो जितने भी मतभेद थे उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं वाटर साइन अपने पार्टनर के साथ, एयर साइन वालों के साथ। और एट ऑफ कप्स अगेन दिखाई दे रहा है कि अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी एट ऑफ कप्स ऑलरेडी वाटर साइन के पास है वो उसको सर्व नहीं कर रहा, इसलिए वाटर साइन जो है अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और आगे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है अपने सोलमेट की तरफ। टू ऑफ कप्स, तो जो वाटर साइंस हैं उन्हें पता है कि वो अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो लव है वो म्यूचुअल है, ए वन साइडेड नहीं है, तो वो अपना जो लव है उसको शेयर करना चाहते हैं अपने सोलमेट के साथ। वाटर साइन वालों को पता है कि एक सोलफुल कनेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कनेक्शन है एयर साइन के साथ उनको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस और बर्डन भी देता है किसी ना किसी वे में। तो वो थोड़ा स्ट्रेस आउट भी फील करते हैं इस कनेक्शन की वजह से, बर्डन की तरह है उनके शोल्डर पर ये कनेक्शन एक तरीके से, और वो उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ। तो अब देख लेते हैं एयर साइन की क्या लव एनर्जी है वाटर साइन के लिए, एयर साइन की आखिर क्या लव एनर्जी है वाटर साइन के लिए। तो ये निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड, नाइन ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लेंगे, एयर साइन की क्या एनर्जी है, डेविल कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो एयर साइन की एनर्जी देखने को मिल रही है कि एयर साइन अपना ऑफर देना चाहता तो है वाटर साइन को, लेकिन बहुत ही छोटे स्टेप्स जो है एयर साइन ले रहा है। पूरी स्ट्रेटेजाइज जो है पहले प्लानिंग करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो पूरी जो प्लानिंग है वो एयर साइन के दिमाग में चल रही है। हमें पता है एयर साइन जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, राइट? थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो कार्ड है यही दिखा रहा है कि ये डिसीजन अपना कोई भी फास्ट मूवमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ना कुछ सीरियस चाहते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। लवर्स कार्ड अगेन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक ट्रू लव है, ठीक है? वो दोनों ही यहाँ पे जो वाटर साइन एयर साइन है, जो सोलफुल कनेक्शन है, दोनों उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों इस बात से अवेयर हैं कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है और जो कि एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे लव दोनों साइड से है, और एयर साइन जो है इस कनेक्शन के लिए फाइट भी करना चाहता है, स्टैंड भी लेना चाहता है, क्योंकि जो नाइन ऑफ वैंड्स है वो यही दिखाता है कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं इस कनेक्शन में, स्टिल ये जो ऐसा कनेक्शन है जिसको लेट गो नहीं किया जा सकता एयर साइन की तरफ से। और अगला कार्ड हमें देखने को मिल रहा है डेविल कार्ड का। तो डेविल कार्ड अगेन दिखाता है कि हो सकता है जो एयर साइन है वो किसी कार्मिक कनेक्शन में है, या कोई कार्मिक साइकिल एयर और वाटर साइन के बीच में जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। एक साइकिल, एक पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, उस कर्मा की वजह से जो है कुछ
यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, इस कनेक्शन में सफरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ हैवी कर्मा जो है दोनों शेयर करते हैं तो यहाँ पे। और या फिर इसका मतलब ये भी है कि कुछ एयर साइंस जो है वो थोड़े ऑब्सेसिव हो सकते हैं, पोजेसिव हो सकते हैं वाटर साइन को लेकर, इसलिए यहाँ पे ये डेविल कार्ड निकल के आया है। या कोई उनकी खुद की एडिक्शंस हो सकती हैं किसी चीज़ को लेकर, राइट। उनकी लाइफ में जो एयर साइन है उनकी खुद की एडिक्शंस चल रही हैं, या वो किसी कार्मिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ ये डेविल कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके साथ जो रेजोनेट हो आप इसको वैसे ले सकते हैं, ठीक है। या फिर उनकी अपनी ही कुछ एडिक्शंस हैं जिनको उनको लेट गो करना है, लाइक अगर अल्कोहलिक हैं, वर्कहोलिक हैं, या समथिंग वट एवर, उनकी जो भी कोई भी चीज़ एक्सेस में की जाए तो वो एक तरह से डेविल एनर्जी बन के आती है। तो जिस चीज़ को भी आप एक्सेस में एयर साइन वाले करते हैं तो वो उनके लिए डेविल एनर्जी की तरह काम करता है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनल आउटकम, आखिर सितंबर की फाइनल आउटकम एयर और वाटर साइन की क्या रहने वाली है। फाइनल आउटकम ऑफ एयर एंड वाटर साइन, फाइनल आउटकम ऑफ एयर एंड वाटर साइन। बहुत ज़्यादा कार्ड निकल के आए हैं, हम नहीं अभी रेडी हैं, एक कार्ड लेंगे फाइनल आउटकम के लिए। टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल मैंने क्या कहा था, एक सिचुएशन है इन्फिनिटी, मीन्स रोल एंड रोल एक ही सिचुएशन रिपीट हो रही है इस कनेक्शन में, कहीं पे कहीं कोई शुरुआत या एंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो सितंबर के महीने में गोल 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 सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न, सेम साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो है मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, और बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड। टावर कार्ड अगेन हमें यही दिखाता है कि जो जगलिंग है वापस, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये जो पैटर्न सेम तरीके से रिपीट हो रहा है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू होने की ज़रूरत है इस साइकिल से बाहर आने का। दोनों एक ही साइकिल में जो है लगातार घूमे जा रहे हैं, और उसके लिए इस जो ये साइकिल है इसको एंड करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है दोनों ही पार्टीज़ को। कुछ हिडन बातें हैं जो दोनों में डिस्कस नहीं हुई हैं, जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसी के बाद यहाँ पे कोई नींव रखी जा सकती है इस कनेक्शन में, एल्स आप सेम साइकिल में जो है घूमते रहेंगे गोल एंड गोल। तो अब देख लेते हैं एडवाइस हमारे दोनों ही वाटर साइन और एयर साइन के लिए। तो वाटर साइन के लिए कोई एडवाइस, काफ़ी सारी एडवाइसेस निकल के आ गई हैं, देखते हैं क्या आया है। वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वाटर साइंस को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस कनेक्शन को लेकर। योग फील टायर्ड, डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन को लेकर, तभी यहाँ बर्डन कार्ड देखने को मिला है। अगला आ गया है हमारे पास यंगर मैन और वुमेन, आप हो सकता है इमेच्योर इंसान से, यंगर अपने आप से, या तो एज वाइज डिफरेंस हो सकता है, या ये इमेच्योर हो सकता है, यंगर वाइव्स हैं आपके पार्टनर की, या उनकी एक स्टूडेंट लाइक ऑफ जो है एक्टिविटीज़ हैं, एक यूथफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं आपके पार्टनर, तो इस तरह का आपका पार्टनर है। और नेक्स्ट कार्ड है रीथ, सोरो ओवर अ लॉस, तो ये जो लॉस हुआ है ठीक है उसके ऊपर आपको थोड़ा दुख है। अगर आपका कई लोगों के लिए ब्रेकअप चल रहा है तो जो वाटर साइन है उनको थोड़ा दुख है इस कनेक्शन को लेकर, सोरो, राइट। तो अब देख लेते हैं कोई सजेशन, कोई एडवाइस एयर साइन वालों के लिए सितंबर के महीने में। टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो जो एयर साइन वाले हैं वो किसी चीज़ को लेके रिस्क लेने वाले हैं, कोई चांस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। और निकल के आया है टावर्स, देखो यहाँ पे दो बार टावर निकल के आया है आपकी रीडिंग में। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, लेकिन जो ये टावर निकल के आया है ये दिखा रहा है सक्सेस को। दूसरे इस पाइल में जो टावर होता है वो दिखाता है डिस्ट्रक्शन को, लेकिन इस वाले डेक में जो है टावर का मतलब है सक्सेस, सॉलिड फाउंडेशन। तो जो एयर साइन है वो एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं, तो वो इसलिए एफर्ट डालेंगे, ठीक है, कोई रिस्क ले सकते हैं। तो एक और एडवाइस ले लेते हैं, दो एडवाइस आ गए हैं और। सी हॉर्स फैमिली मैटर्स, तो कुछ फैमिली मैटर्स से डील कर सकते हैं एयर साइन वाले। विंड चेंज, पीस एंड हार्मनी, उनको पीस और हार्मनी जो है वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए अपनी फैमिली के लिए और पीस और हार्मनी को बरकरार रखने के लिए ये कोई भी रिस्क ले सकते हैं,
ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।